हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल माइना स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैंने मोरिंगा लीव्स के साथ बालों के लिए एक टिप बताऊंगी। इस होम रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें मोरिंगा लीव्स लेना चाहिए। ये पत्ते को अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा वाटर ऐड करके मोरिंगा लीव्स का जूस बना लेना है। फ्रेंड्स, मैंने मोरिंगा पत्ते का रस रेडी किया। इस रस को एक बाउल में लेना चाहिए। इसमें काटे हुए नींबू का रस ऐड कीजिए। इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कीजिए। ये तीनों चीजों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, मोरिंगा लीव्स हमारी बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। बालों की रूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही मदद करती है। और इसमें मैंने मिलाया नींबू का रस। नींबू का रस में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड रहती है। ये दोनों स्कैल्प इन्फेक्शंस, इचीनेस को दूर करती है। वैसे भी नेचुरली बालों की नरिश करने के लिए मदद करती है। और इसमें मैंने मिलाया विटामिन ई का तेल। विटामिन ई बालों के लिए, वैसे भी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी है। हमारी बालों की स्ट्रेंथन करने के लिए, डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने के लिए विटामिन ई बहुत ही मदद करती है। स्प्लिट एंड्स, ड्राई हेयर, डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करके हमारी बालों की स्मूथ सॉफ्ट करने के लिए ये तीनों चीज़ों बहुत ही मदद करती है। ऐसा अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इस मिक्सचर को स्कैल्प पर, पूरी बालों पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आधे घंटे तक ऐसे रहने दीजिए। आधे घंटे होने के बाद किसी भी हेयरबेल शैम्पू के साथ वॉश कीजिए। फ्रेंड्स, इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में एक बार आप इस मिक्सचर को यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स भी नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये 100% नेचुरल है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना, आज मैंने मोरिंगा पत्ते के साथ एक होम रेमेडी बनाया बालों के लिए। ज़रूरी है तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।